Good morning. And welcome back to my channel The Mellow Doodles. I am Sampriti, the host of this channel. Actually, काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि आज व्लॉग करूँगी, कल व्लॉग करूँगी. शॉर्ट्स में तो आपने मेरे को कई बार देखा ही होगा, वो तो एक मिनट की शॉर्ट्स होती है जिसको पीछे से वॉइस ओवर देना होता है, छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करो एंड दैट्स इट. तो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज है बहुत स्पेशल डे. मैं जा रही हूँ अपने घर पठानकोट. अभी मैं गुड़गांव में हूँ और मैंने कल ही टिकट बुक कर लिया था, जो कि मेरा बिल्कुल सडन प्लान बना. और अभी मैं जाऊंगी ऑफिस और ऑफिस के ही मैं सीधे निकलूंगी. मेरी ट्रेन है रात को अराउंड 8:30 बजे. तो चलिए, आप भी चलिए मेरे साथ और पहुंचते हैं घर और इन्जॉय करते हो. तब तक के लिए प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी छोड़ देना मेरे को ऑल दी बेस्ट बोलने के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है. तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ ऐसे ही अटैच रहें और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें. चलो चलते हैं. तो प्लान जैसे कि मेरा सडन बना था, तो कुछ ज़्यादा पैक तो मुझे करना ही नहीं था. एक दो दिन के लिए कपड़े पैक किए और कुछ अपने एसेंशियल्स एंड आई एम डन. मैंने अपना खाना ऑलरेडी बना लिया था, जो कि सिंपल मैंने वर्मसिली सब्जियाँ डाल के बना ली थी, क्योंकि ऑफिस के बाद मुझे सीधे ट्रेन पकड़नी है तो खाने का रिस्क नहीं दे सकती. और मैंने बनाई है वर्मसिली. तो चलिए देखते हैं, करते हैं पैक फटाफट. सो इट्स कॉल्ड अडल्टिंग. जब आप घर से दूर रहते हो तभी आपको घर के खाने की वैल्यू पता चलती है, जो मुझे पता चली है घर से एक साल दूर रहकर. तो या घर से हमेशा मैं खाना प्रिपेयर करके ही निकलती हूँ एंड आई एम ऑल सेट टू गो. और सबसे पहले तो मैं पहुँच गई थी अपने ऑफिस और वहाँ से ही सीधे शाम को मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गई. और अब मैं वेट कर रही थी अपनी ट्रेन का, जो 8:30 बजे की थी. तब तक मैं अपने स्नैक्स इंजॉय कर रही थी. एंड फाइनली ट्रेन में बैठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एसी की क्या वैल्यू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी. बट गर्मी को इग्नोर करके मैं जो घर से खाना लाई थी और कुछ स्नैक्स खा के मैं लगी थी सोने, क्योंकि मुझे पता था और 9 घंटे के बाद मैं पहुंच जाऊंगी अपने घर. 9 hours later. वो सब स्टूडेंट्स या वो सभी लोग जो घर से दूर रहते हैं, वो ये फीलिंग रियलाइज कर सकते हैं कि कितनी खुशी होती है अपनों को इतने टाइम बाद देखकर और अपने होम टाउन पे वापस आकर. तो वही खुशी मुझे थी जो मेरी आपको स्माइल से पता चल ही रही है. और मीट माय नीस. ये नीस तो है बट लगती मेरी बड़ी सिस्टर ही है, आई नो दैट. और फिर हम सब ने इंजॉय करना स्टार्ट किया. सुबह की मॉर्निंग टी घर की बनी और साथ में कुछ स्नैक्स से ये शुरुआत हुई थी. चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद मुझे वेट था मैं कब छत पे जाऊँ और आपको अपनी छत से ये प्यारा सा व्यू दिखाऊँ. तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने नीचे आई तो देखा मम्मा ने बना रखे थे पूरी आलू और ये खा के मैंने सिर्फ रेस्ट किए इस दिन. गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर डे. सुबह 5 बजे उठ के मैं सत्संग भी हो आई, ट्रेन की टिकट भी बुक करवा दी और पीछे आपको बर्तनों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे लिए मम्मा बना रहे हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट. तो वही खा के आज का डे करते हैं स्टार्ट. सुबह सुबह मेरे लिए बन गया था नाश्ते में आलू का परांठा, बटर, साथ में दही, चाय. ये सब खाकर हम फटाफट रेडी हो गए क्योंकि मम्मा को करने थे कुछ बाहर के काम, तो मेरे को जाना था उनको लेकर. तो बाल बांध लिए अच्छे से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी. और अपनी स्कूटी निकाली और हम निकल गए छोटे मोटे सारे काम करने के लिए. कुछ कपड़ों का काम था और साथ में ज़रूरी खाने का काम, क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ उसी दिन मम्मा बाहर का ऐसे कुछ खाते हैं. तो सबसे पहले वड़ा पाव और उसके बाद हम चले गए थे मॉल, वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें भी खरीदी. और साथ में हमें जाना था डोमिनोज क्योंकि मम्मा को खाना था पिज़्ज़ा और वो ऐसे नॉर्मली नहीं खाते, जब मैं आती हूँ तभी वो स्पेशल मेरे साथ ही जाते हैं खाने. So much,
तो मम्मा के तो सारे काम हो गए थे ख़त्म, उनको मैंने घर छोड़ा और मैं निकल गई अपने कॉलेज, क्योंकि मुझे लेनी थी अपनी MBA की डिग्री जो आ चुकी थी, तो मैंने वो भी ले ली। और उसके बाद मैं कुछ शॉप एक्सप्लोर की लोकल पठानकोट की, और साथ में ही मैं चाह रही थी आज जूडियो, क्योंकि यहाँ पठानकोट ना थोड़े टाइम पहले ही ओपन हुए हैं ये, और मैंने सुना काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से। तो जब मैंने यहाँ का कलेक्शन देखा, नो डाउट बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा था, बट मुझे कपड़ों में ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था। बट मैं गई थी कॉस्मेटिक वाली साइट, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी डील पे काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स वगैरह मिल गई, जो मैं सारी आपको इस वीडियो में आगे जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा। बाय द वे, गर्मी बहुत ही, तो मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो यहाँ से मैंने गोलगप्पे पैक कराए और घर जाकर मम्मा के साथ ये सब खाया। और अब आगे देखते हैं मैंने क्या क्या शॉपिंग की। पहले खाने पीने का सामान, जिसमें तो नैपकिन्स, वैसे मैंने ना बेकरी का सामान लिया था, ये बटर खानी और काजू वाले बिस्किट्स, और ये है बटर वाले बिस्किट्स, ये थोड़े थे, बहुत टेस्टी होते हैं ये, मैंने कहा जितने पड़े हैं आपके पास दे दो, क्योंकि वो फ्रेशली बनाते हैं और फ्रेशली ही सेल हो जाते हैं उनसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस कोकोनट बिस्किट्स, तो ये सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें जाएंगी मेरे साथ गुड़गांव। इसके अलावा मैं गई थी जूडियो, और जूडियो से मैंने जो सामान लिया था लाने से, ओह बाय द वे दीज आर माय डिग्रीज, ऐसी वाइट टी शर्ट ली थी जो मेरे पास नहीं थी, मैंने जीन्स खरीदी थी उसके साथ, यही ऐसी वाइट कलर की अच्छी लगेगी, जो थी मात्र 200 रुपीज़ की। इसके अलावा ये टू थे शीट मास्क, जिसमें सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड वाला लिया था एक, और एक मैंने लिया था ग्लो विटामिन सी शीट मास्क, और ये भी 50-50 रुपीज़ के थे। इसके अलावा मैंने लिए थी ये कुछ लिप शेड, जिसमें पहले सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा ये ना कॉफ़ी फ्लेवर में था, एंड आई लव कॉफ़ी, ये सिंपल लिप ग्लॉस। देन ये लिपस्टिक एक मैंने मम्मा के लिए देख ली इस कलर में, देन ये दो कॉम्बो बड़े अच्छे लग रहे थे लगाने के बाद, एक लिप लाइनर था एंड पता नहीं न्यूड समथिंग इसका नाम था, और ये एक लिप शेड, लिक्विड लिप शेड। तो यही सब था, और दो ये वाइप्स लिए थे मैंने, एक आई मेकअप रिमूव करने के लिए और एक लिप कलर रिमूव करने के लिए। सो यही था मिनी सा हॉल जो सारा हो गया। इसके अलावा मैंने मेडिसिन ली थी, और इसके अलावा एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ जो मेरे मम्मा ने कुछ इस तरह से रखी है, और वो है दिस मटरी, मिठी मटरी है ये, और ये है नमकीन मटरी। हा हा हा, बस अब मेरे आराम से 2-3 महीने निकल जाएंगे, मेरे स्नैक्स तैयार हैं, यहाँ पे मटरी, वहाँ पे सारे बिस्किट्स वगैरह। A few hours later. शाम को अजनीस का कॉल आ गया था कि आज आप घर आ जाओ, यहाँ बैठ के हम सभी इकट्ठे स्नैक्स भी इंजॉय करेंगे और डिनर भी। तो हम यहाँ पहुँचे और ढेर सारी बातें की और साथ में स्नैक्स इंजॉय किए। फैमिली के साथ बैठ के बातें करते करते टाइम का पता भी नहीं चला, और 9-10 बजे का टाइम हो गया था, तो फटाफट हमने डिनर वगैरह किया और हम निकल गए वापस घर। The next day. So finally वही डे आ गया कि मुझे वापस आज गुड़गांव जाना था। तो मॉर्निंग में ही मम्मा ने ब्रेकफास्ट बना दिया था, मस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट सारी पैकिंग की मैंने और निकल गई रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे मेरी ट्रेन लग चुकी थी। पापा को किया सी ऑफ और मैं बैठ गई अब ट्रेन में। अब मिलती हूँ आपको गुड़गांव पहुँच के। 9 hours later. तो पहुंच गई मैं वापस गुड़गांव, और मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसे व्लॉग करूँगी, बट हाँ आई ट्राइड एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट। टिल देन प्लीज़।